हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल खुशी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। आज हम बात करने वाली हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे कितने बार सोनोग्राफी कराना चाहिए, कौन कौन सी महीने में सोनोग्राफी कराना चाहिए, या फिर सोनोग्राफी कराने से हमारे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। ये सारे सवाल आप लोगों को मन में बहुत बार आता होगा। ये सवाल मेरे मन में भी पहले बहुत बार आता था। जब मेरा पहला प्रेगनेंसी था तभी भी मैंने डॉक्टर से बहुत टाइम पूछती थी, ऐसा होगा वैसा होगा कुछ होगा तो नहीं, ये सारे सवाल मैं करती थी अपने डॉक्टर से। अभी भी मेरा सोनोग्राफी हो रहा है, कब कब हो रहा है, किस किस महीने में हो रहा है, ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अभी मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे किस तरह से सोनोग्राफी होता है, कितने बार होता है, कौन कौन सी महीने में होता है, या फिर मैं करा रही हूँ, ये सारे मैं आपको बताने वाली हूँ, मेरे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ सोनोग्राफी का। एक्चुअली मैं रहती हूँ अफ्रीका में, तो अफ्रीका में यहाँ पे हर मंथ जब भी आप जाते हो तभी आपका सोनोग्राफी होता है। इंडिया में इस तरह से नहीं होता है, इंडिया में आपको गैप देके सोनोग्राफी करते हैं। वहाँ पे सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हो तब सबसे पहला सोनोग्राफी करते हैं, उसके बाद 3 महीने में करते हैं, उसके बाद 5 महीने में करते हैं, और उसके बाद 8 महीने में करते हैं, और उसके बाद 9th मंथ में करते हैं। इंडिया में इस तरह से सोनोग्राफी होता है, बट जो अफ्रीका में हम रहते हैं यहाँ पे हर महीने सोनोग्राफी करते हैं। जब भी सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी, जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव किया था, उस टाइम पे पहले ही सबसे पहले प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए डॉक्टर ने मेरा सोनोग्राफी किया। तो जब भी मैं हर महीने जैसे मंथली चेकअप रेगुलर चेकअप के लिए जाती हूँ तो यहाँ पे सोनोग्राफी करते ही हैं। बट आप ये सोच रहे होंगे कि हर महीने सोनोग्राफी कराना कितना सेफ है, बच्चे के लिए कितना सेफ है, क्या हमको हर महीने सोनोग्राफी कराना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सोनोग्राफी होता क्या है। सोनोग्राफी नॉर्मली ऐसा मशीन है जो हमारी पेट के अंदर जो बेबी पल रहा है उसको देख सकते हैं, उसकी हार्ट बीट सुन सकते हैं, वो सही है या फिर नहीं है वो हम चेक कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर चेक कर सकते हैं। हमें भी दिखाते हैं जो स्क्रीन में जो बच्चा हलचल कर रहा है, या फिर बच्चे के धड़कन आया है नहीं है, बच्चे ने कितना वेट गेन किया है, बच्चा नॉर्मल पोजीशन पे है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें सोनोग्राफी से पता चलता है। अगर आप रेगुलर चेकअप के लिए महीने महीने में जाते हो और आपकी डॉक्टर महीने महीने में भी सोनोग्राफी करते हैं तो आपको कोई हार्म नहीं होगा, ना आपके बच्चे को कोई हार्म होगा। ये सारे मिथ हैं। मैंने भी बहुत सारे चीज़ें सुनी थी पहले, जो महीने महीने में रेगुलर आप चेकअप के लिए जाते हो उस टाइम पे सोनोग्राफी अगर महीने महीने में करते हैं तो बच्चे के दिमाग में असर पड़ सकता है, बच्चे के विकास में रुकावट हो सकती है, बच्चे को कोई परेशानी हो सकती है, बट ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो, फॉरेन में रहते हो, तो आपको सबको पता होगा कि हर महीने जब भी आप रेगुलर चेकअप के लिए जाते हो तो आपको रेगुलरली आपको सोनोग्राफी करके डॉक्टर देखते हैं कि बच्चे का धड़कन सही है या फिर नहीं है, बच्चे का डेवलप किस तरह से हो रहा है, वेट कितना गेन किया है, ये सारी चीज़ें आपको बारंबार जो डॉक्टर होते हैं वो सारी चेक करते हैं। बट इंडिया में ये मिथ है कि हर महीने सोनोग्राफी नहीं कराना चाहिए। तो मेरा अभी 7 मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है, मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर मुझे सोनोग्राफी करके देखती हैं कि बेबी ठीक है नहीं है, बच्चे का धड़कन क्या है, बच्चे का वेट किस तरह से बढ़ रहा है, बच्चा हेड डाउन किया है नहीं किया है, किस तरह से बैठा हुआ है, ये सारे चीज़ें चेक करती है और मुझे भी दिखाती है। तो मेरा हर महीना मतलब महीने महीने में सातवें महीना हो गया है, हर महीने मुझे मेरा सोनोग्राफी होता है, यहाँ पे इस तरह से ही होता है। अगर आप हर महीने सोनोग्राफी नहीं कराना चाहते हो तो मेनली मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कौन कौन सी महीने में सोनोग्राफी कराना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोनोग्राफी से ही पता चलता है आपकी बेबी हेल्दी है या फिर नहीं है, आपकी बेबी की धड़कन सही चल रहा है या फिर नहीं है। अगर थोड़ा सा भी धड़कन में ऊपर नीचे हो गया तो बेबी का डेथ भी हो सकता है, इसलिए आपको सोनोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कब कब हमें सोनोग्राफी कराना चाहिए, किस किस महीने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेगुलर जैसे मैं कराती हूँ हर महीने में सोनोग्राफी, इस तरह से आप नहीं कराना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी महीने में आपको सोनोग्राफी कराना ज़रूरी है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे आप जब प्रेग्नेंट होते हो घर में, नॉर्मली हम यूरिन से करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट, वो पॉजिटिव आने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब आपको डॉक्टर सबसे पहला सोनोग्राफी करता है, बच्चे के धड़कन देखता है, बच्चा क्या बच्चा बन रहा है नहीं बन रहा है,
तो सब वो देख के कंफर्म करते हैं। तो सबसे पहला वाला सोनोग्राफी आपकी प्रेगनेंसी की पहले मंथ में होता है, जब आप कंफर्म हो जाते हो, आपकी यूरिन जो घर होम प्रेगनेंसी टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हो उस टाइम पे सबसे पहला सोनोग्राफी होता है आपका। फर्स्ट मंथ के बाद आपको तीसरे महीने में कराना जरूरी है सोनोग्राफी, और पांचवें महीने में कराना जरूरी है सोनोग्राफी, और आपके आठवें महीने में सोनोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी है, और आपकी नाइन मंथ में सोनोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी है। आठवें नौ मंथ में क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, क्योंकि एट मंथ प्लस होने के बाद हमारे बेबी के धड़कन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बेबी हेड डाउन पोजिशन में है नहीं है ये भी देखा जाता है, बेबी का वेट देखा जाता है, हर चीज़ देखा जाता है, इसलिए एट मंथ और नाइन्थ मंथ में हमारे हमको कराना ही कराना ज़रूरी है। डॉक्टर भी बोलते हैं, यहाँ पे तो हर महीने में कराती हूँ इसमें कोई परेशानी नहीं है, बट इंडिया में भी डॉक्टर बोलते हैं कि एट और नाइन्थ मंथ में जरूर कराना है। थ्री मंथ में भी आपको बहुत ज़रूरी होता है कराना, क्योंकि आपने पहले महीने में सोनोग्राफी करा के आप चेक तो कर लेते हो सब कुछ सही है नहीं है नॉर्मल है नहीं है, पर थोड़ी दो महीने के बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसको हार्ट बीट उसकी सब कुछ सही है नहीं है कैसे नॉर्मल है नहीं है ये भी देखना डॉक्टर को बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको पहले महीने में और तीसरे महीने में और पांचवें महीने में और आठवें महीने में और नौवां महीने में पांच बार आपकी पूरे प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर महीने सोनोग्राफी करा रहे हो तो सबसे बेस्ट है, अगर आप हर महीने नहीं कराना चाहते हो, आपको कोई मन में ऐसा शंका है, आपके दिमाग में कुछ ऐसा बैठ गया है कि हर महीने सोनोग्राफी कराने से मेरे बेबी को कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो अगर ऐसे सोचते भी हो तो भी आप महीने महीने को छोड़ के पहला महीना तीसरा महीना पांचवा महीना आठवां महीना और नौवां महीने कराइए, आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप ऐसे सोचते हो कि मैं नहीं कराऊंगी मुझे कभी कराना ही नहीं है, तो आपकी और आपकी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसलिए सोनोग्राफी से कोई भी नुकसान नहीं है इसका रियल प्रूफ मैं बैठी हूँ, मैंने हर महीने कराया है अभी भी करा रही हूँ, मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, तो इसका कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, सोनोग्राफी से कुछ भी नहीं असर पड़ेगा बेबी को, ये मेरी गारंटी है। तो इसीलिए आप महीने महीने में करा सकते हो तो करा लीजिए, नहीं तो ये जो भी मैंने बताया है पूरे प्रेगनेंसी में 5 बार आपको जरूर कराना चाहिए। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपकी सवाल की जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।